हल्द्वानी में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जन्मतिथि पर प्रियदर्शनी इंदिरा अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन किया। आपको बता दें कि श्री शनि देव मंदिर राजपुरा में आयोजित इस कार्यक्रम में तमाम राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं को युवा कांग्रेस द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष मोहकिन सैफी ने कहा, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्हीं के अथक प्रयासों से हमारा देश उन्नति की तरफ अग्रसर हुआ। इस क्रम में प्रदेश महासचिव राधा आर्या ने कहा कि आज प्रत्येक महिला को जरूरत है कि वह इंदिरा गांधी के सपनों को पूरा करने में अपना योगदान दे और मजबूती से समाज में आने वाली परेशानियों का सामना करे। यहाँ जो कार्यक्रम हमारा रखा गया बहुत अच्छा, क्योंकि महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिल रहा। इस टाइम महिलाएं किसी से कम नहीं हैं आजकल, और ऐसे ही हमारे कार्यक्रम होते रहते हैं, महिलाओं को मौका मिलता रहता है आगे बढ़ने का। और इस जो ये हमारा जो कार्यक्रम है, उन्हें राधा आ रही है कि वजह से, और मोकिन भाई जो हैं हमारे सब हैं, सबके नाम तो मैं नहीं जान सकती, मगर मैं इनका सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। और बहुत अच्छा प्रोग्राम आज का रहा। और 106वीं जन्मतिथि के अवसर पर आज यूथ कांग्रेस द्वारा जो हल्द्वानी में कार्यक्रम रखा गया, इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य है कि महिलाओं का सम्मान दिया जाए। एक तरफ जिस तरह भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का अपमान करती है, जो महिलाएं हमारे देश का नाम रोशन करती हैं, उन्हीं को न्याय नहीं दिया जाता है, वो अपने न्याय के लिए जंतर मंतर पर बैठती है, लेकिन उनकी बात को अनदेखा कर दिया जाता है। तो इसी तरह दूसरी तरफ यूथ कांग्रेस जो है महिलाओं के सम्मान को आगे बढ़ाते हुए, महिलाओं को सम्मान देने के लिए इस कार्यक्रम को रखा गया है। 106वीं जयंती है, वो एक ऐसी लेडीज थी जिन्होंने अपना बहुत कुछ कुर्बान किया इस देश के लिए, और लास्ट में उनको जो है गोली से मार दिया गया। ये आज हम लोगों ने राजेंद्र नगर वार्ड नंबर 12 में यूथ कांग्रेस के जरिए सुपर शक्ति जो कार्यक्रम है हमारा, उसमें हमारी आज आयरन लेडी कही जाने वाली स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की 106वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ पे जो भी महिलाएं, सम्मानित महिलाएं जो भी समाज के हितों के लिए कार्य करती हैं, आगे रहती हैं और हमेशा समाज के लोगों के लिए, दलित लोगों के लिए काम में लगी रहती हैं, तो ऐसे लोगों को हमने इस सुपर शक्ति सी कार्यक्रम के दौरान इन लोगों को सम्मानित करा है, ताकि हमें बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि सभी पार्षदों को भी, बहनों को भी और बुजुर्गों को भी बहुत इज्जत से, मान सम्मान से सम्मानित किया, और ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए, क्योंकि हमारे कांग्रेस के राज में हमेशा यही काम होते थे, गरीबों को कम्बल बंटना, पेंशनें बंटनी और विधवा पेंशनें बंटनी, जिसके पास घर नहीं है, झोपड़ी नहीं है, उनके लिए हम लोग बहुत काम किया है। आप लोग भी जानते ही होंगे, यहाँ पे आप लोग घूमते भी हैं, इतनी बड़ी बस्ती बसाई, और मैं तो कहती हूँ कि सब लोगों को मिलके कांग्रेस को जिताना चाहिए।